मध्याह्न भोजन में पकाने के लिए शासन ने गैस चूल्हा तो उपलब्ध कराया है, लेकिन इसका उपयोग मात्र गिनती भर के स्कूलों में ही किया जा रहा है। इसका खुलासा महासमुंद जिले के शासकीय स्कूल से हुआ, जहां अधिकांश स्कूलों में मिड डे मील गैस चूल्हे के बजाय मिट्टी के चूल्हे पर बनाया जा रहा है, जिससे मासूम बच्चे धुएं में बैठने को परेशान है। इतना ही नहीं, कई स्कूलों में रंगत लकड़ी के धुएं से उड़ गई है। मध्याह्न भोजन पकाने वाले रसोइयों की माने तो धुएं से काफी परेशानी होती है। गैस नहीं मिलने के कारण लकड़ी के चूल्हे में खाना बनाना उनकी मजबूरी बन गई है। वहीं स्कूल स्टाफ इस बात को स्वीकारते हुए मध्याह्न भोजन पकाने वाले समूह पर इसका ठीकरा फोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ मामले में आलाधिकारी कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन खत्म हो जाते वह लकड़ी ना समूह वाली मन देते तो निष्करा था, आंख में धुआं होते, गर्मी आते, बड़ परेशानी होते। वो समूह वाली मतलब लकड़ी दे रहे शुरू से, हमारे प्रधान पाठक थे ना, तब से शुरू से ना वो लकड़ी से दे रही, तो मैं भी कुछ नहीं बोली हूँ, लकड़ी से चला रही हूँ। इसी से बनाया जा रहा है लकड़ी और कंडे के माध्यम से, और चूंकि वो 15 साल पहले की बात है, तो आज के डेट में उसका जो चूल्हा कैसे हैं, ये जो चीजें हैं, वो एक जानकारी लेने का विषय हो गया।